हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी ट्रिपल नाइन। फ्रेंड्स, मैं सुजाता हूँ, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमिका कुमारी ट्रिपल नाइन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी के परांठे, वो भी बहुत ही टेस्टी। ऐसे गोभी के परांठे बनाएंगे जो आपके नहीं फटेगा परांठा और बनाने में बिल्कुल आसानी होगी। तो इधर गोभी परांठे बनाने के लिए मैंने लिए है 2 गोभी के फूल। उसे इस तरीके से छील के मैंने अच्छे से धोकर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद इसे हम एक कॉटन का कपड़ा या रुमाल लेंगे, उस तरीके से इसे अच्छे से हम नचोड़ देंगे ताकि कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसी तरीके से देखिए, हम इसके अंदर प्रेस करते हुए इसका सारा पानी, एक्स्ट्रा पानी इसको नचोड़ देंगे। तो देखिए, इधर इसे हमने नचोड़ लिया है और इसे अलग कर लेते हैं एक बर्तन में। तो इसी तरीके से हमें बाकी की सारी गोभी को भी निचोड़ लेना है। इसका जो इतना पानी था ना एक्स्ट्रा, उसे निकाल देंगे हम। और फ्रेंड्स, देखिए जो भी ये एक्स्ट्रा पानी है, इसी के कारण से ये परांठे थे ना वो फटते हैं। तो इस तरीके से अगर ये पानी आप निकाल देंगे तो परांठे आपके नहीं फटेंगे, नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए, इधर हमने सारा इसका पानी था निचोड़ दिया। इधर मैं ले रही हूँ कुछ कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और ये रफली कटी हुई चॉप हरी मिर्च। मिर्च को हमने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं ना, वो मिर्च खाना नहीं पसंद करते, तो वो इस तरीके से अलग करके निकाल भी सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर बता दीजिएगा आपके घर में भी क्या ऐसे ही बच्चे करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इधर अब इसके अंदर हम 2 पिंच कर देंगे पिसी हुई हींग ऐड, 1.5 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये, आप चाहो तो पीस का भी ऐड कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच सादा नमक, और ये नमक, लाल मिर्च और साबुत धनिया का और जीरा हींग का मसाला पाउडर है ये, ये हमने साथ में ही इसके तैयार कर लिया था मसाला पाउडर। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे रख देंगे हम एक तरफ ढककर। तो इधर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा, इसका डो तैयार करेंगे। इसके अंदर ऐड कर दिया हमने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, यानी कि 3 टीस्पून नमक, और इसमें ना ऐड करेंगे 2 टीस्पून रिफाइन ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही लगाना है। अगर आपने हार्ड डो लगाया तो ये आपके परांठे थे वो गोभी बाहर निकलेगी परांठों में से, जिससे कि आपके परांठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको डो बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। तो ये देखिए, इधर हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना ही ये स्मूथ और सॉफ्ट है ये। तो इस तरीके की हमें छोटे छोटे पहले इसके पेड़े बना के एक साइड में रख लेते हैं। अब हम इसका एक परांठा तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस पेड़े को कोटिंग कर ली है। अब इस तरीके से हम इसे एक शेप देंगे स्टफिंग के लिए। आप देखिए, इसके अंदर स्टफिंग करेंगे हम गोभी की। ये देखिए, इसके अंदर आप चाहो जितना इसको भर सकते हैं गोभी मसाले को। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं, मैं इस तरीके से कच्ची ही गोभी का परांठा तैयार करूंगी। और इसे प्रेस करते हुए इसे हम डस्ट कर लेंगे सूखे आटे से। और इस तरीके से हम इसे राउंड शेप देते हुए इसके लाइटली हाथों से इसे परांठा तैयार कर लेंगे हम बेल के। और ये देखिए, बिल्कुल भी हमारा परांठा था वो फटा नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बेलने में आ रहा है, देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है ये। बहुत ही अच्छी तरीके से ये परांठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और देखिए, इतना सुंदर हमारा परांठा बन गया है इस तरीके से। और जो अपने परांठे थे उनको भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए, स्टफिंग हमने कर दी है इस तरीके से, हमने राउंड शेप देते हुए बाहर आती है। और ये बहुत अच्छी तरीके से बिल भी जाते हैं। तो
धीरे ही बिल्कुल भूनकर तैयार हैं। तो इधर गैस पे रख दिए हैं हमने तवा और ऑयल लिया है हमने रिफाइन ऑयल पराठा बनाने के लिए। आप चाहे घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए। ये देखिए पराठे को हमने दोनों तरफ से ग्रीस कर लिया है ऑयल से और पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा फ्रेंड, देख सकते हैं आप बहुत अच्छा हमारा पराठा सीककर तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हम बाकी पराठों को भी सेक लेंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी इसे अपने घर पे जरूर बनाइएगा, बहुत झटपट से बन जाते हैं ये, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पराठे बन गए हैं, गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनकर हमारे तैयार हैं। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, बिल्कुल ही बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, क्रिस्पी भी हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी अपने घर पे इसे जरूर बना के देखिएगा, वास्तव में ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप चाहो तो इसे सॉस के साथ, दही के साथ या फिर चाय के साथ, किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और जितने ये देखने में उतने ही खाने में भी टेस्टी लगते हैं ये। इस तरीके से आप अपने घर पे जरूर बनाइएगा एक बार और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।